हेलो गाइस, मर्सिडीज सीएलए हमारे पास आई थी जिसमें कि स्टीयरिंग हार्ड हो गया था और आपके इंजन चेक लाइट, ट्रैक्शन लाइट और एबीएस लाइट, ये सारी लाइटें इसमें मीटर में शो कर रही थी। कस्टमर की कंप्लेंट थी कि गाड़ी में चलते चलते ये प्रॉब्लम हुई है और जिसकी वजह से स्टीयरिंग भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है और ये आपका मीटर में बहुत सारी लाइट आ रही थी। हमारे पास आई है, हम इसको डायग्नोस कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या फॉल्ट आता है। अच्छा, इसमें बूस्ट प्रेशर का फॉल्ट आ रहा था एक, और एक आपका आ रहा था फ्रंट लेफ्ट व्हील स्पीड सेंसर और एक आ रहा था रियर राइट व्हील स्पीड सेंसर। तो हम दोनों सेंसर चेंज करेंगे। ये आपका राइट का सेंसर है, ये बायर टाइप होता है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप आप खोल के भी दिखाएंगे। इस साइड में एक 8 नंबर का जो बोल्ट लगा होता है उसको खोलेंगे और उसके बाद में फेंडर लाइन के अंदर लगा होता है। ये फेंडर लाइन थोड़ी सी खोलनी पड़ती है जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से अंदर दिखता है। ऊपर की साइड लगा होता ये लगा है ऊपर, ठीक है। तो इसको हम एक लॉक होता है अलग हुआ, इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा एक लॉक होता है प्लास्टिक का। लॉक को प्रेस करेंगे पीछे की साइड में, उसके बाद आराम से निकल जाएगा। जल्दबाजी ना करें, टूट भी सकता है, लॉक टूट जाएगा तो फिर दिक्कत होती है ना लगने में। तो ये हमने राइट का व्हील स्पीड सेंसर निकाल लिया, हम इसको नया डालेंगे और एक फ्रंट लेफ्ट व्हील स्पीड सेंसर दोनों को चेंज करेंगे। और जो बूस्ट प्रेशर का फॉल्ट आ रहा था उसमें एक पाइप वैक्यूम पाइप फट गया था, उसको हम रिप्लेस कर दिए हैं। अब ये हमारा जो फ्रंट वाला था इसको सेंसर को हम निकालेंगे और निकालने के बाद दोनों चेंज करेंगे। जहाँ तक मुझे उम्मीद है 100% ये फॉल्ट ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मर्सिडीज़ में ये फॉल्ट अक्सर आता रहता है जिसकी वजह से आपका स्टेयरिंग हार्ड हो जाता है, बहुत सारी लाइट आ जाती हैं और जो कस्टमर होते हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि इतनी सारी लाइट आ गई हैं मीटर में। कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत छोटी सी दिक्कत होती है इसमें भी। ये जब भी लाइट आती हैं तो चारों भील स्पीड सेंसर में से कोई से ना कोई से ख़राब हो जाता है, उसी की वजह से इतनी सारी लाइटें मीटर में शो होती हैं। अभी हम आपका लेफ्ट का सेंसर निकालेंगे और उसके बाद में हम नया डालेंगे, उसके बाद डायग्नोस करेंगे। ये हमारा सेंसर है और इतना फॉल्ट क्या आता है कि ये शॉर्ट हो जाते हैं सेंसर, एक टाइम के अकॉर्डिंग ख़राब हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों सेंसर हमने निकाल लिए, ये लेफ्ट का फ्रंट लेफ्ट और ये जो ब्लू आपको दिख रहा है ना, ये आपका रियर राइट का। तो ये दोनों चेंज करेंगे और डायग्नोस करेंगे और उसके बाद में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये देख लीजिए, हमने गाड़ी स्टार्ट कर दिया लगाने के बाद, डायग्नोसिस कर लिया, स्टेयरिंग हमारा सॉफ्ट हो गया है और कोई मीटर